नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, स्वागत है तमारू MWP एज्युकेशन में। अहीं आपणे जोवाना छीए धोरण नंबर 8 नू सामायिक मूल्यांकन कसोटीनू हिंदी विषयनू, जे सप्टेम्बर मासनी 2021 में लेवानी छे। 25 मार्क्स छे जेना तेनू संपूर्ण पेपर सोल्यूशन अहीं जोवाना छे। तो दरेक विद्यार्थी ध्यानथी जोवे अने वीडियोने लाइक आपवानुं भूलशो नहीं, तमारा फ्रेंड सर्कलमां झड़पथी शेर करो। चलो तो हवे आपणे आगळ वात करीए पेपर सोल्यूशनमां। प्रश्न नंबर 1, तमने प्रश्नों के उत्तर लिखीए। 5 માર્ક્સના પૂછેલા છે, એમાં પહેલો ક્વેશ્ચન એવો છે કે આપ ભગવાન છે કે આપ પ્રાર્થના કરતે હો, તેનો આન્સર એવો થશે હમ ભગવાન છે પ્રાર્થના કરતે હે કે વે લોગ પર અપની કૃપા દ્રષ્ટિ બનાએ રખે। નેક્સ્ટ દૂસરા ક્વેશ્ચન એ પૂછાય કે હામિદને ચિમટા હી ક્યો ખરીદા, તો હામિદને ચિમટા ખરીદા ક્યોકી રોટી બનાતે સમય ઉસકી દાદી કે હાથ જલ ન જાય ઇસીલિયે ઉસને ચિમટા ખરીદા। थर्ड क्वेश्चन ऐसा होगा कि आप बड़े होकर क्या बनना चाहते हो और क्यों, तो मैं बाद बड़े होकर क्या, बड़े इधर आएगा, बड़े होकर डॉक्टर बनना चाहता हूँ क्योंकि आज हमारे देश में बीमारियां बढ़ रही है और योग्य डॉक्टर की कमी है इसीलिए। फोर्थ क्वेश्चन, छात्रों के बड़े लक्ष्य की सिद्धि के लिए डॉक्टर कलाम ने क्या बताया, तो सामान्य आर्थिक स्थिति के बालक भी खूब मेहनत करके और साहसपूर्वक आगे बढ़ाने से बड़े व्यक्ति बन सकते हैं, ऐसा उसने कहा। फिफ्थ क्वेश्चन ऐसा पूछा है कि आपको देश के नाव निर्माण के लिए आप क्या क्या करना चाहोगे, तो हम अपने मोहल्ले में क्या खोलेंगे, वाचनालय, नया वाचनालय खोलेंगे। तो आ तो आप प्रश्न नंबर 1। हम प्रश्न नंबर 1 तमने एम कीधुं छे कि निम्नलिखित परिच्छेद को पढ़कर नीचे दिए हुए प्रश्न के उत्तर दीजिए। 5 मार्क्स में आखो आप વાંચવાનો છે, તેને આધારે અહીં આપણને ક્વેશ્ચન આપેલા છે, ફકરાના આધારે ક્વેશ્ચનના તમારા ઉત્તર લખવાના છે। તો આપણે અહીં મેં મારા આધારે લખેલા છે, તો આપણે જોઈએ સોલ્યુશન એ પ્રમાણે આવશે કે પારસ્પરિક સહયોગ કે લીએ મનુષ્ય કો ક્યા કરના છે, તો પારસ્પરિક સહયોગ કે લીએ મનુષ્ય કો ચાહે યહી કરના ચાહે કે મન વચન ઓર કર્મ સે દૂસરો કે હિત કે લીએ ભી પ્રયાસ કરને કો તત્પર હે। નેક્સ્ટ હવે બીજો ક્વેશ્ચન છે, પ્રકૃતિ કે કોન સે તત્વ પરોપકાર કરતે, तो प्रकृति के सूर्य वृक्ष और नदी तत्व परोपकार करते। थर्ड वाला क्वेश्चन यही पूछा है, इस परिच्छेद में कौन से महापुरुष को परोपकार की बात बताई गई है, तो इस परिच्छेद में गांधी जी, मदर टेरेसा, ईसा मसीह जैसे महापुरुषों के परोपकार की बात बताई गई है। फिर फोर्थ क्वेश्चन, सच्चा मनुष्य बनने के लिए हमें क्या करना चाहिए, तो एनो आंसर एवो थशे कि सच्चा मनुष्य बनने के लिए स्वयं के लिए नहीं जिए और अपने जीवन काल में परोपकार भी करे। फिफ्थ क्वेश्चन एवो छे कि इस परिच्छेद का उचित शीर्षक दीजिए, तो शीर्षक शुं आवशे, परमार्थ का महत्व। नेक्स्ट एवो प्रश्न नंबर 3 जुए, रेखांकित शब्द का लिंग बदलकर वाक्य लिखिए, तो पहलू तमने कीधु छे कि छात्र पाठशाला में पढ़ने जा रहे, तो छात्र नो आपणे बदलवानो छे तो के छात्रा पाठशाला में पढ़ने जा रही है। बीजू छे, मालिनी पोतों को पानी पिला रही है, तो मालिनी की जगह शू आएगी, माली, माली पोतों को पानी पिला रहा है। नेक्स्ट है, ब्रिटेन के सम्राट कौन है, तो एनु आपणे वचन परिवर्तन करिए तो सम्राट की जगह पर शू आवशे, महारानी, यानी ब्रिटेन की महारानी कौन थी। और छे, सेठानी खाना पकाती है, तो सेठानी की जगह पर क्या आएगा, सेठ आएगा, सेठ खाना पकाता है। फिफ्थ में आएगा, हाथी कदावर जानवर है, तो उसका हाथी की जगह पर क्या आएगा आंसर, हथनी, हथनी कदावर जानवर जानवर है। चलो प्रश्न नंबर 4 जो है, एमां वचन बदल कर वाक्य फिर से लिखे, ऐसा लिखा है फिफ्थ मैक्स में, तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने कविता लिखी, तो इसका आंसर इसी इधर लिखा है, हमने कविता कविताएं लिखी। सेकंड है, यह मेरी किताबें है, तो उसका आंसर यह है कि यह हमारी किताबें है। थर्ड है, हम हर रोज स्कूल जाते हैं, तो उसका आंसर यही बनेगा, मैं हर रोज स्कूल जाता हूँ। फोर्थ है, माली बगीचे का ध्यान रखता है, तो उसका आंसर बनेगा, माली बगीचे का ध्यान रखता है। नेक्स्ट है, हाथी जंगल में देखने को मिलते हैं, तो हाथी जंगल में देखने को मिलते हैं। चलो नेक्स्ट जो है, प्रश्न नंबर 5, ये कहानी छे, अपूर्ण कहानी छे, आपणे पूर्ण करवा छे। एक था गांव, गांव के एक व्यापारी था, ताकि उसको व्यापार बढ़े और उसे जगह बेचने के लिए लाया। हवे आनो आपणे लखवानो छे कि जिसे देखकर गांव वाले अप्रतिभावित हो गए। व्यापारी मोबाइल फोन लाया था और उस समय गांव में ज्यादातर फोन नहीं थे, तो कई गांव वाले यह फोन देखकर
हैरान हो गए। व्यापारी बड़ी बारीकी से मोबाइल के बारे में गांव वालों को समझाए और सभी गांव वालों को मोबाइल पसंद आया। व्यापारी को बहुत मुनाफा हुआ और गांव वालों को एक ऐसी चीज मिल गई जिसे वो दूर दूर रहते ही अपने संबंधी के और बेटों से दूर और संबंधी और बेटों से बात कर सकते हैं। तो आ रीते तमारो प्रश्नना उत्तर थशे अने आ रह्यु तमारो पेपर सोल्यूशन। तो विद्यार्थी मित्रों जो पसंद आए हो तो लाइक आपवानो भूलशो नहीं अने तमारा फ्रेंड सर्कल में आगळ अवश्य शेर करो अने तमने केवुं लाग्युं ते तमारे अमने कॉमेंट बॉक्स में अवश्य शेर करो। थैंक यू।